अजनबी जानवर। एक जंगल में एक चींटी रहता था। वह बहुत डरपोक था, कोई भी काम बिना डरे नहीं करता था। रस्सी को देखकर सांप समझ जाता था। एक दिन वह अकेली पहाड़ी के नीचे जाती है। इतने में जोर की हवा आने पर पहाड़ी के पास से एक बड़ी सी पत्थर चींटी के सामने गिरा। तो बस, चींटी पहले से ही तो कायर था, बिना कुछ देखे उसके सामने गिर पड़ा समझकर दौड़ पड़ी। पानी में से जमीन पर उछलती हुई एक मेंढक पूछा कि चींटी चींटी, क्यों इतनी तेजी से भाग रही हो? उधर एक बड़ी अजीब जानवर है, मुझसे बड़ी, वो मुझे खाना जाए करके मैं भाग रही हूँ। हाँ, फिर तो वो मुझे भी मार देगी, बोलते हुए मेंढक भी उसके साथ भागने लगा। एक खरगोश सामने आकर पूछा, भाग क्यों रहे हो? उधर एक बड़ी अजनबी जानवर है, वो मुझे खा ना जाए करके भाग रही हूँ, बोला मेंढक ने। अच्छा, कहीं वो मुझे भी खा ना जाए, बोलते हुए चींटी और मेंढक के साथ खरगोश भी भागने लगा। ऐसे परेशानी में भागते हुए चींटी के साथ मेंढक, खरगोश, हिरन, गधा, हाथी भी साथ आए। अब मुझसे नहीं होगा बाबा, अब मैं नहीं भागूंगा। तब शेर उनके सामने आकर पूछा, क्या हुआ, क्यों ऐसे डर कर भाग रहे हो? तो हाथी बेदम होकर बोला, महाराज, वो हमारे जंगल में एक बड़ी अजनबी जानवर आया, वह हमें मारने के लिए पीछे पड़ा था, प्राणों को बचाने के लिए भाग रहे हैं। अजनबी जानवर, वो कैसे? शेर ने कहा, उस जानवर को उसने नहीं, गधे ने देखा, बोलते हुए गधे की तरफ इशारा किया। उसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, हिरन पूरा जानती है। ऐसे हिरन ने खरगोश को और खरगोश ने मेंढक, मेंढक ने चींटी की तरफ इशारा किया। फिर चींटी वह अजनबी जानवर को दिखाने सबको पहाड़ी के नीचे ले जाती है। चींटी दिखाने वाली जगह पर कोई अजनबी जानवर था ही नहीं, बल्कि एक बड़ा सा पत्थर था। अरे रे, इस पत्थर को देखकर मैं पता नहीं क्या क्या सोचते हुए खामखा डर गई। तो उस चींटी पर बाकी सबको बहुत गुस्सा आया। गुस्सा होने से पहले बिना सच जाने उसके बातों पर यकीन करके भागना उनकी गलती है, समझ गए सब। अगर मैं सामने नहीं आता तो पता नहीं जंगल कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि बिना सच्चाई जाने कोई भी कदम हमें नहीं उठाना चाहिए। कव्वे की दोस्ती से हुआ हिरन का नुकसान। एक जंगल में एक भोला भाला हिरन रहा करता था। जब उसे पानी पीना होता तो वो तालाब की ओर जाता था। हर बार की तरह हिरन एक दिन जब पानी पीने तालाब पहुंचा, वहां कुछ कव्वे आए और उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो अच्छे से घुल मिलकर बात करने लगे। एक दिन उस भोले हिरन को खरगोश ने आकर कुछ कहा, हिरन भाई, तुम इन कव्वों से दोस्ती मत करो, जितना इनका शरीर काला है ना, इनका दिल भी उतना ही काला है। पहले भी ऐसे ही दोस्ती करके बहुत सारे जानवरों से इन्होंने विश्वासघात किया है। ये तो सच है कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। हिरन ने उसकी बात नहीं मानी और वो रोज उन कव्वों से मिलता रहा और उनकी बातों में आ गया। एक दिन कव्वे कहीं जा रहे थे तो उन्होंने हिरन को भी अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। हिरन बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे पीछे निकल गया। वो कव्वे पास के खेत में दाना चुगने जा रहे थे। खेत की सारी फसल को कव्वे नष्ट कर रहे थे। हिरन को ये बात अच्छी नहीं लगी। दोस्तों, ये जो तुम कर रहे हो गलत है, जाने कितनी मेहनत की होगी इस फसल को उगाने के लिए, इसे बर्बाद मत करो। किसान फसल उगाता ही है, आधा उसके लिए और आधा हमारे लिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, आओ तुम भी थोड़ा सा खा लो। कव्वों ने हिरन की बात नहीं मानी।
अचानक उसकी नजर उसकी ओर आते किसान पर पड़ी। आकाश में उड़ने वाले कौवे ने उसे देख लिया था और वो तुरंत उड़ गए। ओहो, तो इतने दिनों से तुम मेरी फसल को खा रहे थे। रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। लकड़ी लेकर वो हिरन को बहुत जोर जोर से मारने लगा। हिरन बेचारा बहुत विनती कर रहा था। किसान अपनी फसल के नुकसान पर बहुत निराश था और उसे हिरन पर गुस्सा आ रहा था। वो उसे बहुत देर तक बिना रुके मारने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे लोगों के साथ अगर रहोगे तो वो तो बच जाएंगे, पर तुम फंस जाओगे। माँ का कहना ना मानने वाले बदक के बच्चे। एक छोटे से जंगल में एक नदी हुआ करती थी। नदी में एक बदक और उसके दो बच्चे रहते थे। कभी कभी बच्चे माँ से दूर जाकर नदी में खेलते थे। हमेशा उनकी माँ उन्हें समझाया करती थी। बच्चों, तुम लोग मुझसे दूर मत जाया करो, पानी बहुत तेज है, कब कौन सा खतरा तुम पर आ जाए पता नहीं, कभी भी कहीं से भी दुश्मन आ सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, समझ गए ना? किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती मत करना। माँ का कहना मानकर वो हमेशा सतर्क रहते थे, खेल कर वापस सुरक्षित आ जाया करते थे। एक दिन वो दोनों ने नदी के बीच एक दौड़ लगाई। एक बच्चा जहाँ पानी का बहाव कम था उस तरफ से तीरता हुआ जा रहा था, तो दूसरा बच्चा जहाँ पानी का बहाव ज्यादा था वहाँ से जल्दी पहुँचने के लिए जा रहा था। मैं अगर इस तरफ से जाऊँगा तो मुझे ज्यादा मेहनत करके तीरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पानी के बहाव से ही मैं बहकर चले जाऊंगा और जीत जाऊंगा। उसे फिर माँ की सिखाई हुई बात याद आ गई। जैसे तेज पानी में बहाव होता है, दुश्मन भी आ सकते हैं और बहुत कुछ। थोड़ी देर सोचता रहा, उसने निश्चित किया कि वो वापस आ जाएगा, पर बहुत तेज बहाव होने के कारण वो पानी में बहता हुआ चले गया। अब उसके दिमाग में आता है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे इस पानी से रहने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। उसने बहुत कोशिश की पर बाहर नहीं आ सका और बहता हुआ आगे चला गया। वो बहुत डर गया था और सोचने लगा कि माँ की बात ना मानने के कारण आज वो इस मुसीबत में फंस गया है। दूसरा बदक का बच्चा उसे देख रहा था, वो उसे बचा नहीं सका क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था। इतने में नदी में आगे से एक नाव में बैठा आदमी आ रहा था। उसने बदक के बच्चे को देखा, उसे बचाया और किनारे पर छोड़कर चला गया। वो दोनों अपने माँ के पास गए और उसे सब कुछ सुनाया। बच्चों पर बीती कठिनाई माँ चिंतित हो गई। उसने इस घटना से सीखा कि हमेशा माँ की बात को मानना चाहिए और तब से वो माँ की हर बात मानने लगा। इसीलिए कहते हैं कि बड़ों का कहना हमेशा मानना चाहिए। लोमड़ी और शेर को बुद्धू बनाने वाले हिरन। एक समय की बात था, एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वो बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अरे यार, आजकल खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। सोच रहा हूँ अगर मृगराज शेर कुछ शिकार करके जितना वो खा सकते हैं उतना खाकर बचे हुए खाना हम जैसे छोटे जानवरों को दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने तो तपती धूप की वजह से अपने घर से बाहर ही नहीं आ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। ऐसे दुखी होकर उस दिन उस जंगल में घूमता रहा। ऐसे घूमते घूमते एक जगह पर एक हिरन अकेला घास खाता हुआ दिखा। हिरन को देखते ही उस लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। आहा, कितना अच्छा दिन है, अगर मैं इस हिरन को खाऊं तो 10 दिन तक कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं होगा, लेकिन इस हिरन को कैसे मारूं? ऐसे सोचता हुआ लोमड़ी को नजदीकी नदी के पास एक शेर दिखा। अगर वो शेर उस हिरन को शिकार करके मार दिया तो जितना वो खा सके उतना खाकर बचे हुआ पूरा मांस उसका होगा। ऐसे सोचकर वो लोमड़ी शेर के पास जाकर बहुत विनय के साथ, हे जंगल का राजा, अगर आप इस सेवक को एक मौका देंगे तो मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूँ। अगर वो मेरे लिए अच्छा है तो तुरंत ही उस मौका का अच्छा उपयोग करो, शेर ने ऐसा कहा। आपको जो हानिकारक होगा वो मैं जीवन में कभी भी नहीं कर सकता। तुम्हारे बुरी योजनाओं के बारे में तो पूरे जंगल जानते हैं,
तुम्हारे बड़े चढ़ाव बातों को बंद करके विषय बताओ। यहाँ से थोड़ी सी दूर एक हिरन घास खा रहा है। हाँ, ऐसी बात है क्या? ऐसी बातें इतने देर से नहीं बोलते। चलो चलो, जल्दी चलो। ऐसे कहते हुए दोनों शेर और लोमड़ी जल्दी अपना सफर शुरू किया। लेकिन ये सभी बातें हिरन वहाँ के एक बड़े से पत्थर के पीछे से सुन लिया। हिरन और शेर बहुत जिज्ञासा के साथ जब तक वो जगह पर आया, वहाँ ना तो हिरन था या कुछ भी जानवर नहीं था। हर तरफ देखा और कहीं भी हिरन नहीं दिखा। ये सब देखते हुए शेर को लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आया। क्या लोमड़ी, क्या तुम मुझसे ही खेल रहे हो? लू लक्कर मैं नदी के किनारे सो रहा था, तुम मेरे पास आकर हिरन है बोलकर झूठी तसल्ली दिया। नहीं महाराज, हिरन यही कहीं था, मेरे बात को यकीन कीजिए, ऐसा लोमड़ी कहा। ऐसा कहने से भी शेर उसको मारने का डर उसको बहुत था। हिरन नहीं हो तो क्या हुआ, तुम मुझे मिल गया। ऐसे कहते ही लोमड़ी को पकड़कर मार दिया। इस कहानी का नीति ये है कि बुरे लोगों को बुराई ही मार देता है।